बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, वेलकम टू यूनिक फूड किचन। उम्मीद करती हूँ मेवाज आप हैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। मैं भी हैरियत से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज हम बनाने जा रहे हैं एग फ्राइड चिकन मैक्रोनीस। तो एग फ्राइड चिकन मैक्रोनी कैसे बनेगी, किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी वो मैं आपको बता देती हूँ। चिकन है मेरे पास पका हुआ, ये मैंने कल एक रेसिपी बनाई थी चिकन डोनट्स की, उसमें से ये कीमा बचा हुआ है वो मैं डालूँगी। आप चिकन दूसरा भी डाल सकते हैं बॉईल करके पका के। और मैक्रोनी है, एल्बो मैक्रोनी है बॉईल की हुई एक पैकेट। स्पाइसेस में जाएंगे 1.5 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1/2 टीस्पून वाइट पेपर, नमक हसबे जायका, और चिकन पाउडर है मेरे पास 1 टीस्पून, और एग जाएगा एक, और स्प्रिंग ऑनियन है, हरा प्याज 2 थे छोटे साइज़ के वो मैंने काट लिए हुए हैं, लहसुन चॉप किया हुआ, शिमला मिर्च 1 बड़े साइज़ की, गाजर 1 दरमियाने साइज़ की, और बंद गोभी। आप अपने हिसाब से सब्ज़ियाँ ज़्यादा या कम कर सकते हैं, चिकन आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। मैं सिर्फ आपको बताऊँगी कि रेसिपी कैसे बनेगी। चिली सॉस और सोया सॉस 1 टेबल स्पून दोनों जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि रेसिपी कैसे बनेगी। जी तो पैन हमने रख लिया हुआ है और चूल्हा जला लिया मैंने। इसमें ऑयल डालेंगे तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, मैक्रोनी में ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं होता। लहसुन डालेंगे चॉप किया हुआ, लहसुन को सौटे करेंगे और फिर इसमें अंडा तोड़ के डालेंगे। जी लहसुन साटे हो गया तो इसी में मैंने अंडा तोड़ के डाल दिया और इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। ये ट्विस्ट दिया मैंने एग फ्राइड राइस रेसिपी को, एग फ्राइड राइस की जगह एग फ्राइड मैक्रोनी बना रहे हैं। इसी में ये चिकन का कीमा चला जाएगा। सब्जियां डाल देंगे, गाजर डालेंगे और शिमला मिर्च डालेंगे। सब्जियां थोड़ी साटे हो जाएँ तो फिर बाकी वाली स्प्रिंग अनियन और बंद गोभी डाल देंगे। जी बाकी की सब्जियां भी मैंने डाल दी हैं, प्याज डाल दिया है और बंद गोभी भी डाल दिया है। और इसके साथ ही क्योंकि चिकन भी पका हुआ है, अंडा पक चुका है, अब इसके साथ ही हम मैक्रोनी इसमें ऐड करते हैं। झटपट बन जाने वाली रेसिपी है। स्पाइसेस मैंने पहले नहीं डाले, ये अभी मैं डालूंगी क्योंकि मिर्चे के अंडे को बहुत काला कर देते हैं। इसके साथ ही 1 टेबल स्पून सोया सॉस और 1 टेबल स्पून चिली सॉस डाल देंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, चूल्हा आस्ता रखेंगे, चूल्हा तेज़ नहीं करना। अभी एंड में इसमें 1 टेबल स्पून चिली गार्लिक सॉस डालेंगे। आपकी मर्ज़ी है डालना चाहिए, प्लेन केचप डालनी है तो वो डालें, ज़्यादा थोड़ा इसमें स्पाइसी हो जाएगा। अगर बच्चों ने खाना है तो आप नीचे कम रख सकते हैं। ये देखेंगे हमारी एग फ्राइड मैक्रोनी तैयार होगी। अभी हम इसको डिश आउट करते हैं। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एग फ्राइड चिकन मैक्रोनी रेडी है और बहुत ही मज़े की बनी है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बेल के आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा, इससे आपको मेरी नई नई रेसिपीज की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। दुआ में याद रखें, फिर मिलेंगे एक नई यूनिक रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।